जय हिंद दोस्तों। ऑयल इंडिया ने वैकेंसी निकाली हुई है और वैकेंसी ऑल इंडिया के भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। बता दें, भूतपूर्व सैनिकों को क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पूरा नोटिफिकेशन में क्या डिटेल है, कितनी वैकेंसी है, सारी जानकारी इसमें मिलने वाली है। बता दें कि वैलिड डिप्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड, यानी कि आपका एक्स सर्विसमैन आई कार्ड जरूरी है। जिला सैनिक बोर्ड से जो इशू होता है वो कार्ड चाहिए एक्स सर्विसमैन का, तो ये कार्ड सबके पास होता है। और इसके बाद 10th होना जरूरी है। और कई ट्रेडों की वैकेंसी निकली हुई है, क्योंकि अलग अलग ट्रेड के होते हैं तो वो वैकेंसी निकाली गई है। तो एक तरफ से मैं बता दूं, जो भूतपूर्व सैनिक है कौन कौन से ट्रेड की वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, काफी वैकेंसियां हैं। सबसे पहले बता दें, ऑयल इंडिया की वैकेंसी है, ऑल इंडिया ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। ऑल इंडिया के भूतपूर्व सैनिक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो वैकेंसी है, ग्रेड 3 की वैकेंसी है और ग्रेड 5 की वैकेंसी है। ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है उसमें सैलरी 26,600 रुपए से 90,000 रुपए तक सैलरी रहेगी, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। बता दें परमानेंट जॉब है। इसमें जो वैकेंसी है, पोस्ट कोड ये दिए हुए हैं, जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये पोस्ट कोड की जरूरत पड़ेगी जिस ट्रेड के लिए आप भर रहे हैं। सबसे पहले बता दें कि मैकेनिक डीजल ट्रेड के जो भी हैं 10th पास वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं, 89 वैकेंसी हैं। इसके बाद फिटर ट्रेड की जो वैकेंसी है 188 वैकेंसी है, 10th पास इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर ट्रेड के लिए 6 वैकेंसी हैं, मैकेनिक ट्रेड के लिए 24 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए 32 वैकेंसी हैं। इसके बाद सभी में 10th पास होना जरूरी है और ट्रेड आपका वो होना चाहिए जिसमें अप्लाई कर रहे हैं। बता दें, इसमें कई एक्स सर्विसमैन को ये वैकेंसी पता भी नहीं चलती है, तो जरूर अप्लाई करें आप जिस ट्रेड के हैं उस ट्रेड में। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 13 वैकेंसी है, मोटर व्हीकल ट्रेड की 10 वैकेंसी है। बता दें 10th पास इसमें चाहिए, ड्राइवर ट्रेड से होना चाहिए। इसके बाद बता दें कि सर्वेयर ट्रेड के 3 वैकेंसी हैं, IT एंड ESM की 7 वैकेंसी हैं। इसके बाद IT ट्रेड वाले जितने भी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास होना जरूरी है। प्लंबर ट्रेड के लिए 6 वैकेंसी हैं, एयर कंडीशनर मैकेनिक के लिए 4 वैकेंसी हैं। इसके बाद और भी कई तरह की वैकेंसी, लाइनमैन वायरमैन की 2 वैकेंसी हैं, वायरमैन ट्रेड की 2 वैकेंसी हैं। तो अलग अलग ट्रेड की सबकी वैकेंसी इसमें दी गई हैं। इसमें बता दें काफी वैकेंसियां हैं, मैं एक तरफ से आपको सारी वैकेंसी नहीं बता सकता हूं, अभी बता देते हैं। ग्रेड 4 की जो वैकेंसी है, पे लेवल 32,000 से लेके 1,27,000 रुपए चाहिए, 12th पास इसमें मांगा गया है। नर्सिंग एंड मिडवाइफ का डिप्लोमा होना चाहिए, 2 वैकेंसी है। इसके बाद और भी है जो कि आपको फूड एंड साइंस न्यूट्रिशन की जो वैकेंसी है, 12th पास इसमें चाहिए, 1 वैकेंसी है। तो अलग अलग वैकेंसी है। अभी मैं बता दूं एक साथ की भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो एक्स सर्विसमैन को जो रिजर्वेशन मिलेगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार, यानी कि 10% भूतपूर्व सैनिकों के लिए, नॉर्मल भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, और 4.5% जो डिसेबल एक्स सर्विसमैन है उनके लिए है, जिसमें कि 16 पोस्ट डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए दी गई है। और जो नॉर्मल एक्स सर्विसमैन है, टोटल वैकेंसी में 10% भूतपूर्व सैनिकों के लिए दी गई है। इसके बाद एज लिमिट जनरल के लिए 18 से 30 साल चाहिए, बाकी को SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की छूट है, और एक्स सर्विसमैन को 3 साल प्लस डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस। एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार 50 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए एक्स सर्विसमैन की, उससे ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। 10th पास जो भी है इसके लिए एलिजिबल है। इसमें जो रिटेन टेस्ट होगा, इसका ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसमें जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे एक्स सर्विसमैन को, फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं लगेगी, एक्स सर्विसमैन को फीस एग्जम्पशन है। ऑनलाइन इसमें जो टेस्ट होगा 100 मार्क का होगा, जिसमें कि आपको इतने परसेंट नंबर लाने जरूरी है सब में जो इसमें दिए हुए हैं। तो इसका जो फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ऑनलाइन अप्लाई करने का भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।